अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जब किसी इंसान को शऊर अता करती है तो चाहे वो किसी भी नस्ल से हो, किसी भी रंग का हो, चाहे उसका ताल्लुक दुनिया के किसी भी मुल्क से हो, अल्लाह पाक के साथ राबता जुड़ने की देर होती है कि इंसान अपनी तमाम तर गलतियाँ, कोताहियाँ सब कुछ पसे पुश डाल कर राह हक पर मुसलसल चलता चाहता है। इस छोटे से वीडियो क्लिप को देखिए जिसमें एक हिंदू वालिद और उसकी हिंदू बेटी दोनों मिलकर अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलिमा पढ़ रहे हैं, जिक्र इलाही कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला की हक्कानियत को बयान कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इनका ये वीडियो क्लिप आप लोग देखिए, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah मुहम्मद रसूलुल्लाह। दोस्तों, इसी तरीके से आप लोगों ने अब से कुछ दिन पहले सुना होगा एक पंडित को जो कि अपने स्टेज पर खड़ा होकर हिंदू ऑडियंस के सामने लगातार सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ रहा होता है, मिदहत मुस्तफा कर रहा होता है, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम के हुजूर गुलहाय अकीदत पेश कर रहा होता है। उसको सुनकर अंदाजा होता है कि वाकईतन अल्लाह पाक की ज़ात ने मोहब्बत इलाही और मोहब्बत रसूल उन सब के दिलों में डाल रखी है जो कि अक्ल रखते हैं, जिनके पास दिमाग है। दोस्तों, इसी से पता चल जाता है कि वो कुफार जो कि दीन हक के मुनकर हैं, जो दीन के खिलाफ बोलते हैं, उन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं कि आखिर दीन कितना अजीम है और दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अजीम है। तो मेरे दोस्तों, यकीनी तौर पे इस वीडियो क्लिप से आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का जिक्र ये हिंदू कर रहे हैं, ये पादरी कर रहे हैं, ये पारसी कर रहे हैं, तो फिर कौन सी ज़ात है इस दुनिया की जो कि सरकार का जिक्र नहीं करेगी। यकीनी तौर पे वो लोग जिनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।